नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो काम जो मोदी सरकार ना कर पाई वो अडानी ने कर दिया और चीन को दे दिया 440 वोल्ट का करारा झटका। श्रीलंका के साथ कर बड़ी डील कर दिया है अडानी ने। अडानी समूह ने जिस तरीके से चीन को झटका दिया है, उसके बाद से दोस्तों अब यही चल रहा सोशल मीडिया समेत तमाम न्यूज घरानों में कि जो काम मोदी सरकार ने करना कर पाए वो अडानी कर गए। वही अडानी जिन्हें राहुल गांधी हमेशा गरियाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, आखिर किया क्या है श्रीलंका में घुसकर अडानी समूह ने, जिससे चीन जो है अपनी दांतों तले उंगली दबा लिया है और चाइना को करारा झटका लग गया है। जो चाइना भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए श्रीलंका का प्रयोग करना चाहता था और उनके मंसूबे जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पानी में मिल गए हैं और श्रीलंका भी भारत की नज़दीक आ गया है। कैसे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरी वीडियो में हम आपको दूसरी खबर में, दो खबर इसमें कवर करेंगे, दूसरी खबर में ये बताएंगे चाइना कैसे जिन जिन देशों के साथ ने संबंध बढ़ा रहा उन्हें कैसे अपने कब्जे में कर रहा है। दूसरी तरफ चीन में ही धार्मिक, खास करके मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों की मस्जिद की गुंबद को तोड़ा जा रहा है। ऐतिहासिक जो धार्मिक पहचान है वो कैसे मिटा रहा है चाइना, उसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रीज 57 मुस्लिम देशों में दम नहीं कि चीन के खिलाफ चूसे पूरी कर सके। तो दोस्तों, ये दो खबरें इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देश की, अपने देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर में हम आपको बात कर लें चीन में किस तरीके से धार्मिक पहचान मिटाए जा रहे हैं। ज़ीनिंग शहर की बात करें तो ऐतिहासिक डोंगुआन मस्जिद का गुंबद तोड़ दिया गया है। तमाम मस्जिदों और मुसलमानों के कट्टर दाढ़ियों को काटा जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। तो इस तरीके से काम निकल के आया। दरअसल चीन के उत्तरी पश्चिमी शहर सीनिंग में चीनी शाही महल की शैली में बनी करीब 700 साल पुरानी डोंगुआन मस्जिद का रूप अब पूरी तरीके से बदल चुका है। टाइलों वाली छतों और गुंबदों के साथ बौद्ध प्रतीकों से सजी ये मस्जिद 20वीं सदी की शुरुआत में सियासी उठापटक के बीच लगभग नष्ट हो गई थी, जिन्हें 1990 के दशक में हरे गुंबदों में बदला गया था। अब चीन ने इन गुंबदों को तोड़ दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा और वाशिंगटन में सर्वाधिक प्रसारित होने वाले नेशनल पब्लिक रेडियो NPR ने यह ताज़ा रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डोंगुआन मस्जिद के बाहर अनार बेचने वाले किसान अली ने कहा है कि चीन सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वे इस जगह को बीजिंग के तियान मेन चौक की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं। दरअसल उनकी इच्छा इन मस्जिदों का चीनीकरण करने की है। किसान अली ने कहा है कि NPR सिर्फ उनके पहले नाम का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ लोगों को आदेश है कि वो गुंबद को हटाने के बारे में किसी को ना बताएं। दोस्तों, सिंजियांग में आपको बता दें मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, धार्मिक पहचान मिटाए जा रहे हैं, मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर भी रोक लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो उइगर हैं उन पे जो है वो अत्याचार इतने हर कदर बढ़ गया है कि चाइना का जो अत्याचार वो है, वो भले ही वहाँ पे कोई मीडिया, सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भले ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये अत्याचार सिंजियांग से निकल पूरी दुनिया में फैल रहा है। यही कारण है कि ISI खुरासन ने चीन को चेतावनी दे दी और यह हम कह सकते हैं कि चीन को धमकी दे दी है। चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार नहीं कम किया चाइना ने, तो फिर चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन, और ख़ास करके ज़िनजियांग प्रांत में जो है वो, जहाँ पे बड़े पैमाने पर उइगर रहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और वहाँ पर हम आतंकी खास करके अपने लड़ाके भेजेंगे। तो ये ISI खुरासन ने चीन के खिलाफ जंगी ऐलान कर दिया है। तो ये दो खबरें आपको जानना जरूरी था। अब हम चलते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका में कैसे अडानी ने चीन को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। अडानी ने मुलाकात की है अमेरिकी श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी। दरअसल भारत ने श्रीलंका में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के मुताबिक नई रणनीति बनाई और इस बार चाइना को करारा झटका लगा। श्रीलंका के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने के लिए चीन को जवाब देना चाहता है। अडानी ग्रुप इससे मदद भी कर रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की। वो मुलाकात क्यों है?
दरअसल आपको बता दें कि अडानी ग्रुप और श्रीलंका की सरकारी कंपनी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी SLPA के साथ एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत क्या होगा कि कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को बनाएगा और इसे चलाएगा। इसके मुताबिक अडानी प्राइवेट विजिट पर श्रीलंका गए हैं और इसी के साथ 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। डेली मिरर न्यूज़ के मुताबिक अडानी और प्रतिनिधिमंडल 2 स्पेशल फ्लाइट के साथ रविवार को श्रीलंका पहुंचे हैं। अडानी ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक है और इनका मुख्यालय अहमदाबाद है। अडानी ने श्रीलंका में वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनाने का जो समझौता किया है वो $70 करोड़ का है। ये श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, विदेशी निवेश है। कोलंबो पोर्ट इंडियन कंटेनरों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा रीजनल हब है। WCT व्हील्ड ऑपरेटर का ट्रांसफर आधार बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से पहले चाइना भी बोली लगा रहा था, लेकिन श्रीलंका ने चाइना को ना दिया। श्रीलंका को ये पोर्ट चाइना देने से इनकार कर दिया, इस वजह से क्योंकि चाइना इससे पहले भी हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो ले चुका है श्रीलंका में, हम्बनटोटा जो कि 99 सालों के लिया है। ऐसे में श्रीलंका भी असुरक्षित महसूस करने लगा है चीन से, क्योंकि श्रीलंका भी अच्छी तरीके से चीन की उन नीतियों को जानता है, जहाँ पे चीन पहले आप छोटे छोटे देशों को पैसे देकर उन्हें खरीदेगा, उनके बंदरगाहों पर राज करेगा, उनकी ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन करेगा, सड़कों पर जाल बिछाएगा, बिल्डिंगों का निर्माण करेगा, उसके बाद धीरे धीरे उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा करेगा। ऐसे कई कोरियाई देश हैं और इसी को देखते हुए श्रीलंका ने इस पोर्ट को भारत और ख़ास करके अडानी ग्रुप को ही देने की बात कही। आपको बता दें कि 35 साल तक माना जा रहा है, 35 से 50 साल तक ये लीज पर दिया गया है और यहाँ जो है भारत को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना की एक दादागिरी कम होगी। इस बंदरगाह से भारत जो है व्यापार बढ़ाएगा और श्रीलंका के साथ जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो भारत को जाहिर सी बात है इससे सीधा फ़ायदा होगा और चीन की दादागिरी पे लगाम भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाएगा। बंदरगाह का प्रयोग एक तरीके से अगर बात करें तो आने वाले समय में चीन के खिलाफ भी भारत कर सकता है, क्योंकि भारत अडानी ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये सारा का सारा जो है जाल बुना जा रहा है। तो ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अडानी ने चाइना को 440 बोल्ट का झटका दे दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें बोली लगाने वालों में कई थे लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली ऐसी रख दी कि उसके आगे कोई जा ही ना पाया और उसी के बाद फिर श्रीलंका ने अडानी ग्रुप को ये मौका दिया और ये बड़ी खबर है। और यही कारण है कि कल ये डील पहुंचकर गौतम अडानी स्वयं पहुंचे और राष्ट्रपति से मुलाकात की। स्वयं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है कि डील फाइनल हो चुकी है, चाइना को 440 बोल्ट का झटका लग चुका है। अब जो ये बंदरगाह है, अब इस बंदरगाह का यूज जो है वो अडानी ग्रुप के हाथों में है और अडानी इसका पूरा का पूरा निवेश और कोलंबो पोर्ट इंडियन कंटेनर्स में के साथ साथ तमाम देशों के कंटेनर्स को भी लेगा, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों अब आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से स्पोर्ट को अडानी ग्रुप ने लिया है, हैंडओवर किया है, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या ये चाइना के लिए झटका है या फिर नहीं। तो दोस्तों